हेलो एवरीबॉडी। तो चलिए अब फिगर 22 देखते हैं, कोलाबा कोजवे। 19वीं सेंचुरी के एंड में यहाँ ट्रामों की जो उनको घोड़े खींच रहे हैं, लेफ्ट के किनारे पर आम घोड़ों के अस्तबल और बैकग्राउंड में ट्राम कंपनी ऑफिस को देख सकते हैं आप। फिगर 23 में आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव, बम्बई का ये फैमिलियर लैंडमार्क, एक प्रसिद्ध स्थान 20वीं सेंचुरी में समुद्री जमीन को डेवलप करके बनाया गया था। अब देखते हैं 4.5, बॉम्बे एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड कल्चर। भला कौन होगा जो बम्बई का जिक्र करे और उसमें उसके फिल्म इंडस्ट्री की चर्चा ना करे, उसको डिस्कस ना करे। यहाँ की बेहिसाब भीड़ और डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन के बावजूद बहुतों के लिए बम्बई मायापुरी ही है, यानी कि रुपले सपनों का शहर। बम्बई की बहुत सारी फिल्में सिटी में आने वाले माइग्रेंट्स और उनके डेली लाइफ में पेश आने वाली मुश्किलों के बारे में ही है। बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री के कई लोकप्रिय ग्रे सिटी के कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट को उजागर करती हैं। फिल्म सीआईडी 1956 में हीरो का दोस्त गाता है, है दिल है मुश्किल है जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के ये मुंबई मेरी जान। तो फिल्म गेस्ट हाउस 1955 में मोह भंग की आवाज सुनाई देती है, जिसका जूता उसके सिर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह रे वाह तेरी बम्बई। तो बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री सबसे पहले कब सामने आया? हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाड़कर ने 1896 में बम्बई के हैंगिंग गार्डन्स में हुए कुश्ती के एक मुकाबले का जो सीन था वो कैमरे में उतारा। यही इंडिया की पहली मूवी यानी कि फिल्म थी। कुछ समय बाद दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र 1913 में फिल्म बनाई। इसके बाद तो बम्बई का फिल्म इंडस्ट्री आगे ही बढ़ती गई। 1925 तक बम्बई इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का कैपिटल बन चुका था। वहां पूरे देश के दर्शकों के लिए फिल्मों का निर्माण होता था, प्रोडक्शन होता था। 1947 में लगभग 50 फिल्में बनी, जिन पर 756 मिलियन रुपए की लागत की गई। 1987 तक आते आते फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या 5,20,000 तक आ चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले भी ज्यादातर लाहौर, कलकत्ता, मद्रास एटसेट्रा दूसरे सिटीज से आए थे। इतनी सारी जगहों से आए लोगों के कारण फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नेशनल कैरेक्टर बना था। लाहौर से आए लोगों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के विकास में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इसमत चुगलाई और शहादत हसन मंटो जैसे बहुत सारे फेमस कलाकार और लेखक हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए थे। खुद बम्बैया फिल्मों ने भी सिटी को सपने और हकीकत, झोपड़पट्टी और दमकते बंगलों की दुनिया वाली मिली जुली जो एक पिक्चर थी, वो छवि थी, वो देने में अहम भूमिका निभाई थी। बम्बई के कई चेहरे हैं। मेरे पिता सह्याद्री से आए थे, तुम्हारी चौखट पर खड़े हो गए थे, उनके कंधे पर था एक कंबल और देह में खाली श्रम लिए, टिफिन बॉक्स लादे हुए मील तक जाता था मैं। बचपन में ऐसे ही बना था जैसे लोहार हथौड़ी बनाए। मैंने घर करके जीवन काटना सीखा और कभी कभी हड़ताल पर जाना भी। मेरे पापा मजदूरी करते थे, उस ढल गए थे, मैं भी ढल चुका हूं। फिर मेरे बच्चे, उन्हें भी मिलेगी ऐसी ही उदास रातें श्या कुंडली में लिपटे अंधेरे। तो बॉक्स टू देखते हैं। एशियाई कंट्रीज के सभी सिटीज अनप्लान्ड ढंग से डेवलप नहीं हुए थे। बहुत सारे सिटीज की सोच विचार कर ऑर्गेनाइज यानी कि उसे तैयार किया गया था। मॉडर्न सिंगापुर ऐसा ही एक सिटी था। अब बात करते हैं ली कुआन येव का सिंगापुर। आज हम सबके लिए सिंगापुर एक कामयाब, अमीर और वेल प्लान्ड सिटी है, दुनिया भर के लिए सिटी प्लानिंग का एक शानदार मॉडल। इस सिटी को ये हैसियत हाल में ही
मतलब अभी अभी मिली है। 1965 तक सिंगापुर एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट तो था, लेकिन वो बाकी एशियाई सिटीज जैसा नहीं था। प्लानिंग का जो तत्व है तो यहाँ 1822 से मौजूद था, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ वाइट पीपल की जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से वो बसाया जाता था। सिंगापुर पर उस समय वाइट का ही रूल था। सिटी के ज्यादातर पॉपुलेशन भीड़ भाड़, गंदगी, खराब मकान और गरीबी के माहौल में रहती थी। 1965 यानी कि अभी अभी स्टूडेंट में जब पीपल एक्शन पार्टी, पीपल्स एक्शन पार्टी के प्रेसिडेंट ली कुआन येव ने नेतृत्व में सिंगापुर को आजादी मिली तो ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। इसके बाद एक विशाल हाउसिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया जिसने इस आइलैंड नेशन का चेहरा ही बदल दिया। इस बारे में जो प्रोग्राम तैयार किया गया था उसमें सिटी के एक एक ईंच का हिसाब रखा गया था। सरकार ने लगभग 85% जनता को अच्छे मकान दे दिए थे, इसलिए सरकार को जनता का जो सपोर्ट था वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिल रहा था। ऊंचे ऊंचे हाउसिंग ब्लॉक्स में वेंटिलेटेड और सर्वेड और सभी प्रकार की सेवा का इंतजाम किया गया था। ये चीजें अच्छी फिजिकल प्लानिंग का सबूत थी। इन बिल्डिंग्स ने सिटीज के सोशल लाइफ को ही बदल दिया था। एक्सटर्नल कॉरिडोर्स, बाहरी गलियारों के कारण अपराध कम हो गए थे। बड़े बूढ़ों को भी उनके परिवारों के साथ बसा दिया गया था। कम्युनिटी एक्टिविटीज के लिए सभी इमारतों में खाली मंजिलें छोड़ दी गई थी। सिटीज में लोगों के आने पर कंट्रोल रखा जाने लगा। चीनी, मलय और इंडियन, इन तीनों कम्युनिटी के बीच रेशियल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सोशल रिलेशन पर भी लगातार नजर रखी जाने लगी। न्यूज़पेपर, जर्नल्स और सभी तरह के जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पर एक तरह से कड़ा कंट्रोल, नियंत्रण रखा जाता था। 1986 में नेशनल डे के अपने भाषण में ली कुआन येव ने प्लानिंग के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, अगर हमने निहायत पर्सनल मामलों में भी दखल न दिया होता तो हम तरक्की नहीं कर सकते थे। आपके पड़ोस में कौन रहता है, आप कैसे जीते हैं, आप शोर तो नहीं मचाते, आप कहाँ कैसे थूकते हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम ही तय करते हैं कि क्या ये सही है, लोग क्या सोचते हैं, इससे हमें परवाह बिल्कुल नहीं है। हालांकि सिंगापुर में सिटीजन को फिजिकल फैसिलिटीज और संपन्नता मिली हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस सिटीज में लाइवली और चैलेंजिंग पॉलिटिकल कल्चर अभी भी नहीं है। फिगर 24 देखते हैं। समुद्री जमीन को डेवलप करके बनाया गया सिंगापुर मरीना।